लाइट पता कहाँ से हो रही है? देखो अब ऐसे हो रही है। जय श्री राम दोस्तों, एक और नए दिन और एक और नए ब्लॉग में भाई आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गया हूँ और आज भी हमें निकलना है दिल्ली, बट उससे पहले भाई मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर रहा था, जो डॉग चैनल पे भी आनी थी वीडियो, जो हैरी भाई के पास हम अम्बाला गए थे उनके, तो भाई एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है सही में। और इसी बीच भाई मेरा आ गया एक कॉरियर और एक कॉरियर मेरा भाई अभी भी ऐसा ही है। ठीक है, देखो अच्छी शर्ट है ना, बट भाई ये वो शर्ट नहीं है जो मैंने मंगाई थी। मैंने मंगाई थी ये वाली, ठीक है, और आई ये वाली। अच्छा, इसमें एक और पंगा है, फ्लिपकार्ट से मैंने ये ऑर्डर की और फ्लिपकार्ट पे ऐसा कुछ चल रहा है कि ओपन बॉक्स डिलीवरी का ऑप्शन आ जाता है, वो ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है। मेरे को पता नहीं था क्योंकि मैंने पिछले एक डेढ़ साल में कोई फ्लिपकार्ट से डिलीवरी नहीं ली। तो उसमें ये होता है कि भाई आप ओपन बॉक्स डिलीवरी होती है कि आप एक साथ जब आपका ऑर्डर डिलीवर हो रहा है आप उस टाइम पे उसको चेक कर लीजिए, सही है तो ठीक है, नहीं तो आप वापस भेज दीजिए। क्योंकि फ्लिपकार्ट वालों के साथ भाई बहुत फ्रॉड हो रहा था और ये हो भी रहे हैं कि ना लोग रिप्लेसमेंट डाल देते हैं कि हमें तो प्रोडक्ट ही रिसीव नहीं हुआ। कुछ लोगों के साथ जेन्युइन फ्रॉड हो रहा था, कुछ फ्रॉड कर रहे थे। तो भाई मैं कोर्ट में था, पीछे से ऑर्डर आया, मैंने सुमित की शॉप पे भेज दिया। हालांकि डिलीवरी वाले ने मेरे को कहा सर आप ओपन करके देखना है, मैंने कहा नहीं नहीं मैं खुद आके देख लूँगा, और उसने उसमें टिक कर दिया कि हाँ ओपन बॉक्स डिलीवरी थी, हमने तो दे दिया। तो ये रिटर्न करने में भाई 4 दिन हो गए, मेरे को रोज़ कुछ ना कुछ लफड़ा पड़ रहा था क्योंकि मैं कोई भी रीज़न दूँ तो वो कहीं ओपन बॉक्स था, आप अब क्यों वो कर रहे हो रिटर्न वगैरह। तो फाइनली आज ये होगा भाई कस्टमर केयर वाले से बात करके, और अब ये प्रोडक्ट खोल के दिखाता हूँ भाई ये क्या है। एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है, मैंने आज ऑर्डर किया था ये, और इसकी ब्रांड है नॉइस। तो अभी आपको खोल के दिखाता हूँ ये क्या है। और भाई ये है इसके अंदर, देखो। और भाई अब इसको खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। बॉक्स के अंदर है बॉक्स, और यहाँ इसकी MRP लिखी हुई है भाई 7,000, बट हमने ये कम प्राइस में लिया है, 7,000 का नहीं है, डिस्काउंट वगैरह चल रहा था तो ले लिया। देखते हैं भाई इसके अंदर क्या है। कह रहे हैं डियर नॉइस मेकर, ठीक है जी, पैकिंग तो भाई बहुत ही प्रीमियम है। और इसके अंदर है भाई ये, और उसके बाद है मेन बॉक्स हमारा। इसके नीचे क्या है, इसके नीचे भाई कैरी पाउच है, और ये उसकी रीडर मैनुअल होगी, और इसमें इसका चार्जर वार्जर होगा। इसकी ओपनिंग, ठीक है, इसके अंदर कैसे वाले ईयरफोन है आप देखते हैं आज। ये है भाई, ये देखिए आप दोस्तों, इनके अंदर है ना ये कानों के अंदर नहीं जाते हैं, देखो ये कान के बाहर रहते हैं, और ये लेफ्ट का मैं लगा के दिखाता हूँ आपको, ये कान के बाहर है, ठीक है, और ये इसका राइट वाला है। ओ सर्चिंग फॉर द डिवाइस, मैं इसको कनेक्ट कर लेता हूँ पहले। और भाई अभी मैंने ये कर लिया कनेक्ट, देखो इनके ये कान के अंदर नहीं जाते हैं, बाकी एयरफोन्स की तरह ये कान के बाहर रहते हैं। और अभी मैंने ना इसको टेस्ट किया तो गाने वाने भाई प्रॉपर आपको सुन रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी टाइप की। और पीछे ये भी लग जाते हैं ताकि आपको नेक में अगर ऐसे रखना है ना कि हाँ इस तरीके से ये लगे रहें, कि मान लीजिए आप वर्कआउट के टाइम पे यूज़ कर रहे हैं, आपने लगाना है यहाँ लगा लो। और इसकी जो ये वाली सेटिंग होती है भाई ऊपर की, यहाँ से ये हट के ये लग जाएंगे इसमें जो ये वाले हैं। तो भाई आज इनको यूज़ करते हैं और फिर आपको रिव्यू देता हूँ कैसे हैं। A few moments later. तो भाई अब अपने नए वाले ईयरफोन लगा के मैं निकल रहा हूँ भाई दिल्ली के लिए। दिल्ली मेरे को भाई आज फिर एक और पपी देना है,
वो देना है रोहिणी में, बट वो पप आ रहा है भाई पंजाब से, ठीक है, काफ़ी अच्छा पप है, बीगल पप है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम ये हो रही है आज अम्बाला वगैरह वाला रास्ता भाई हाईवे सब बंद है, तो वहाँ से जो पप आ रहा है उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा है यहाँ पहुँचने में आज, क्योंकि रास्ते बंद हैं तो उनको बहुत घूम फिर के आना पड़ रहा है। बट ठीक है, मैं मुरथल निकलता हूँ और थोड़ी देर भैया का वेट कर लेंगे, ज़्यादा देर होगी तो भी वेट करना पड़ेगा, बट अभी निकलते हैं भाई। सो गाइस, अभी भैया से मेरी बात हुई थी भाई, और भैया को लगेगा भाई अभी और भी ज़्यादा टाइम, तो मुरथल में भाई एक नई चीज़ खुली है, एक तो है 24/7 और एक है हमारा स्टारबक्स। तो भाई स्टारबक्स पे वैसे तो मैं गया हूँ पहले भी, बट आज भाई पहली बार हरियाणा में सोनीपत वाले स्टारबक्स पे जाएंगे, तो चलते हैं देखते हैं भाई कैसा क्या एक्सपीरियंस है यहाँ पे। भी वेट भी करना है जब तक भैया आ रहे हैं, तो वेट भी कर लेंगे, और ईयरफोन भाई कंटिन्यू यूज़ कर ही रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, बढ़िया मज़ेदार है भाई। ये है स्टारबक्स, आई लव मुरथल स्टारबक्स वाला। तो भाई हम पहुंच गए थे, और भाई ये देखिए स्टारबक्स की सबसे अच्छी बात ये लगती है, हालांकि मेरे को तो इनकी कॉफ़ी भी अच्छी लगी, और भैया ने बड़े प्यार से लिया भैया तो दिया ब्लॉग स्माइली टेन टेन। तो अभी भाई कुछ खा पी लेते हैं, पप्पी को तो लगेगा यार अभी टाइम, तो जब तक पप्पी आ रहा है अपनी कॉफ़ी वगैरह पी लेते हैं। और मैंने ना इनके मग देखे भाई साहब, इतने महंगे महंगे मग हैं, और मनीष मल्होत्रा के मग दिखाऊंगा, उन्होंने डिज़ाइन किए इनके लिए, बट हालांकि तो ये ईयरफोन है भाई, ये मेरे को बहुत सही लग रहे हैं, इनमें बड़ा मज़ा आ रहा है, क्योंकि यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल है, एक थोड़ा सा मैंने ना इनकी सेटिंग चेंज की है। अभी स्टारबक्स से निकल गए भाई, और थोड़ी देर सोच रहा था, मन ने तो कह रहा भाई इधर उधर शॉपिंग कर लूँ, और एक और जो नई चीज़ खुली है यहाँ पे वो है भाई 24/7 है भाई, जो 24/7 ओपन रहता है, अरे हाँ 24/7। तो भी भाई थोड़ी देर और टाइम पास करते हैं और देखते हैं पप्पी हमारा कब तक आता है, लेट आया तो भाई दिल्ली जाने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बॉर्डर यहाँ पे भी प्रॉब्लम है, और बॉर्डर बंद होगा तो शायद दिक्कत हो सकती है, फिर शाम के जिम में भी प्रॉब्लम होगी। Meanwhile, guys, समय हो गया है भाई 4:40 का, और 2 से भाई मैं वेट कर रहा हूँ यहाँ पे, और अभी तक पप्पी पहुँचा नहीं है मेरे पास, और उसका रीज़न भाई वही है कि जो हमारा किसान वाला मुद्दा उठा हुआ है अम्बाला साइड में भाई, ब्लॉकेज है सब रोड वगैरह, एंड आई गेस सोनीपत में भी ब्लॉक वगैरह कर दिया है, एंड आई गेस दिल्ली बॉर्डर भी ब्लॉक वगैरह कर दिया है, बाकी मैंने सुबह पापा आए थे उनसे पूछा था, बट तब तक ब्लॉक नहीं था, अब मे भी ब्लॉक हो गया हो, तो देखते हैं भाई कैसे क्या रहता है, और पपी आते ही फिर पपी भी दिखाता हूँ भाई आपको। भाई अभी जाके हमारा फाइनली बीगल का बच्चा आया है, और ये रहा प्यारा सा बच्चा, लो भाई ये है हमारा प्यारा सा बीगल का बच्चा, अब ये इसको यहाँ बिठा देते हैं भाई, आराम से सो जाएगा। लो जी जाम लगना हो गया है शुरू भाई, और बॉर्डर से तो अभी काफ़ी पहले हम, पर जाम लगना हो गया है स्टार्ट, देखते हैं कितना लंबा क्या जाम है क्या रुकावट है। भाई वहाँ बोर्ड दिख रहा है तुम्हें, जाम है, अब देखो लाइट दिख रही है, और देखो कितनी दूर है वो लाइट, पता है कहाँ से हो रही है, देखो अब ऐसे हो रही है, ये जो छोटी लाइट है ना भाई ये इतनी पावरफुल है कि देखो। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं, सिस्टम है जी अपना, और है ना भाई ये देखो अभी तो वाइट दिख रही है आपको, अभी रेड ब्लू होगी, तो ये वहां पे भी ऐसे चेंज होती है, वाइट है रेड ब्लू, वाइट रेड ब्लू रेड। ये सारा प्रोटेक्शन के लिए खड़े हैं कल वाली जगह पे, और बस बॉर्डर पे भाई बहुत लंबा जाम था, वो भी इसलिए क्योंकि आधा रास्ता बंद था, बैरिकेड अभी नहीं लगाए हैं, एज इफ टुडे बैरिकेड नहीं लगे हुए थे, पर है ना वो था कि इधर व्हीकल वगैरह खड़े हैं रोड पे और वो सब चल रहा था, तो उसकी वजह से भाई
काफी टाइम लग गया, एक डेढ़ घंटा मेरे को यहाँ जाम जाम में लग गया, जो कि सारा ही 100 मीटर का जाम था, बट एक डेढ़ घंटा लग गया यहाँ से। तो अब चलते हैं भाई अपनी डेस्टिनेशन पे। पपी तो हमने डिलीवर करना ही है क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और भाई उन फैमिली को भी पूरी हर चीज़ की गाइडेंस दे के जब वो प्रॉपरली सेटिस्फाइड हो जाएंगे, उनके सारे क्वेश्चंस के आंसर उनको मिल जाएंगे, तब मैं वापस निकलूंगा वहां से। टाइमली आ गया तो भाई जिम विम का देखेंगे यार, नहीं तो आज का जिम हो गया भाई हमारा स्किप। मॉर्निंग में मैं एडिटिंग के चक्कर में नहीं कर पाया, बाकी देखते हैं। 2000 years later. So guys, finally मैं पहुंच गया हूं भाई पपी को लेके, और अभी बस लिफ्ट से ऊपर जा रहे हैं और फिर फैमिली को गाइड करते हैं सभी। भाई फोर्थ फ्लोर पे हमें जाना है। देखो कितना क्यूट सा पपी है ना। फ्रेंड्स फाइनली पपी दे दिया है उनकी फॉरएवर फैमिली को, और अब मैं निकल रहा हूँ भाई घर के लिए। भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, तो कुछ खाने का देखता हूँ फिर घर निकलता हूँ जल्दी से, क्योंकि हो सकता है बॉर्डर पे दोबारा से जाम वगैरह मिल जाए। बात तो सही है। सो गाइस अभी भूख लग रही थी तो मैं आ गया हूँ भाई बिट्टू टिक्की वाले के पास। खाएंगे भाई अभी कुछ बढ़िया सा मस्त सा। तो भाई मैंने ऑर्डर किया है, टू टिक्की वाले पे आए और टिक्की ना खाए तो क्या फ़ायदा है। लो भाई ये है इनका ऑथेंटिक टिक्की स्टोर, जहाँ पे आपको सबसे पहले बिट्टू टिक्की वाला थी, वैसे हमारे सोनीपत में भी है बट यहाँ का टेस्ट बोलते हैं भाई अलग ही है। तो भाई हमारे भैया जी दे रहे हैं हमें मैप, भैया जी कह रहे हैं मैप ज़्यादा सेल नहीं होते भैया जी, मोबाइल का ज़माना है, फिर एक काम करो ना आप। कितने का है ये? मैं आपको खाना दिला देता हूँ, आटा दिला दूँ? आटा दिला दूँ। कहाँ से मिलेगा? वहाँ मिलेगा ना। मैं चलूँ आपके साथ आटा दिला दूँ? बहुत है। वैसे भैया जी मैप कितने का है और आपका? 180। कितना? 180 का एक मैप है, प्लास्टिक का है। अच्छा अच्छा, तो अगर दोनों लूँ तो 300 में दे दोगे? बताओ अगर आपको लगे तो 300 दे दूँ। ठीक है आप मैप ही दे दो भाई। बात ये है कि भैया वैसे नहीं मांग रहे, कुछ कर रहे हैं काम। विकलांग आंखों से दिखता भी, तेल भी खराब है। विकलांग हो? तेल भी खराब है, आंखों से दिखता भी। अच्छा अच्छा, भैया जी का पैर भी खराब है। भैया जी दिखाओगे? हाँ। वैसे दिखाओगे मैप? मैप हटाएंगे एक बार। तो भैया जी का पैर भी खराब है और आँखों से भी प्रॉब्लम है दिखने में। तो भाई भैया जी ने कहा है आप या तो आटा दिला दीजिए या मैप ले लीजिए। तो भाई खुददार इंसान है तो मैंने सोचा मैप ही दिला देते हैं, मैप ही ले लेते हैं। खाओगे भैया जी? खाएंगे कुछ? सर कोई बात नहीं, आप मैप ही ले लो भैया बच्चों के लिए। खुले होंगे आपके पास? हाँ। खुले हैं? 500 का खुला हो जाएगा, 200 होंगे चेंज? 200 का काम नहीं चला, क्या करें? 200 का काम नहीं। कुछ खाओगे? पैक करवा दो। क्या कराऊँ पैक बताओ? कहाँ से लोगे? छोले भटूरे करा दो पैक। तो भाई भैया जी के हमने करा दिए हैं छोले भटूरे पैक, और उनको 300 रुपये हम कैश दे देंगे, जो भी बचेगा भाई पूरा 500 भैया के आज। तो भैया जी 500 रुपये में से ये बचे हैं, ठीक है जी, ये आपके हैं पूरे। ठीक, जितने भी हैं ये आपके हैं, 300 से ज़्यादा हैं। ठीक है जी, कम भी है बेचारा। अरे नहीं नहीं भैया, तो ये आपके हो गए मैप के, और आपके छोले भटूरे पैक हो रहे हैं, 2 मिनट रुकिएगा फिर आपको देंगे। ठीक है जी, फिर अभी मेरे को आप दुआ दो अच्छी सी बढ़िया। भगवान भगवान आपको इतना बधाई बधाई, भगवान आपको कभी घाटा ना करे, अच्छा अच्छा इंसान बनाए, बहुत बड़ा। बिल्कुल बिल्कुल, बाकी आप गरीबों का भलाई चाहो। मैं ना, मेरे पास है ना कंबल से, कंबल खत्म हो गए, मैं आपको जुराब दूँ, मैं आपको जुराब काम आएंगे आपके, बच्चे हैं जुराब ले आऊँ? ठीक है। नहीं मैं अगर वहाँ से होता, यहाँ से होता, मेरा घर पास होता, मैं दे देता। मेरे पास जुराब रखी है गाड़ी में, नई पैकेट में है। हाँ मैं ले आऊँ? हाँ मैं वो आपको दे देता हूँ। ठीक है, और अच्छा है अभी आप भीख नहीं मांग रहे हो, आप कुछ काम कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं तो आपको पता है भिखारी लोग तो यहाँ वैसे ही, उनका तो वैसे ही ज़्यादा स्कैम है। तो भाई भीख वालों से बेटर तो ये है जो लोग ये काम कर रहे हैं,
मैंने भैया से मैप भी ले लिए हम अपने। बिल्कुल आदत खराब हो जाती है, आदत खराब हो जाती है। अच्छी बात है भैया, आप अपने बच्चों के लिए मेहनत करके कमा रहे हैं। और कुछ काम देखो, अगर ये नहीं चल रहा तो ज्यादा क्या करूँ, उसके लिए पैसा चाहिए, पैसा हमारे पास है नहीं। मुझे कोई सब्जी वगैरह ऐसी कोई दुकान खोलनी है। अच्छा, कहाँ रहते हैं आप? अच्छा, कोई नहीं, भगवान आपकी भी आगे और मदद करेगा, मेरे जैसे और भेजेगा आपके पास। तो भाई भैया जी के लिए ले लेते हैं सॉक्स, जो आपको याद है मैंने एक अंकल जी से ली थी जो मेरे जिम में आए थे। और देखिए ये रखी भाई वो सॉक्स, इनमें से एक पेयर भैया जी को दे देते हैं, ठीक है, काम आ जाएगी भाई ये चीज़ भी भैया जी के, और हमसे एक और भला काम हो जाएगा। अब भाई आज है ना तीसरा दिन है, अगर आप लिंक करें बातों को तो तीसरा दिन है। तीनों दिन मैं डॉग्स देने गया हूँ और तीनों दिन मैंने किसी ना किसी की हेल्प की है, आई कॉल इट डेस्टिनी। तो चलिए अभी खाना भी ले आते हैं भैया जी का। भैया जी ये आपके छोले भटूरे और ये सॉक्स हैं, तीन है इसमें ना, आपके काम आ जाएंगे। थैंक यू। तो चलिए भाई अब अपना मैप ले लिए हैं भैया जी से, अब चल रहे हैं अपने घर की तरफ चलते हैं अब बस। सो गाइस एक और खुशी का काम मैंने अपने लिए किया भाई आज, और मेरे को अच्छा लगा करके, एंड ये दिल से खुशी हुई कि भाई कोई आदमी ना भीख नहीं मांग रहा था, वो आदमी मेहनत करके, मेहनत का अपना खाने की इच्छा में था। मैंने उसको पैसे ऑफर किए या मैंने उसको आटा ऑफर किया तो वो ना बेचारा ही हो रहा था कि आप है ना वही ले लो, मैप ही ले लो और फिर आप, मैं उसी से आटा ले लूँगा घर के लिए। मैं तो उसको आटा भी दिला देता, बट ये है कि यार मैंने आज 500 रुपये मैंने उसके नाम कर दिए, ठीक है, घर बच्चों के लिए खाने का भी ले गया है, मैंने उसके दो मैप भी खरीद लिए भाई, किसी ज़रूरत वाले को दे देंगे ये भी। और जब देने वाला ऊपर वाला है ना भाई, तो हमें ना किसी वो चीज़ बांटने में बिल्कुल संकोच नहीं करना चाहिए। आप इस यूनिवर्स में थोड़ा सा देते हो ना, आपको कई गुना मल्टीपल होके मिलता है। और ये मैं इसलिए भी नहीं कर रहा हूँ कि यार मेरे को मल्टीपल होके चाहिए, बट हाँ खुशी ज़रूर होती है भाई। और कंटिन्यूसली भाई ये तीसरा दिन है कि मैं किसी की हेल्प कर पा रहा हूँ, एंड आई रियली फील प्राउड ना, और एक सेटिस्फेक्शन वाली बात होती है। और भाई इतना भी कुछ मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करूँ, बट भाई जहाँ जिसकी जो मदद कर पाओ, आपको कभी सोचना नहीं चाहिए, आपको पीछे नहीं हटना चाहिए मदद करने से किसी की ज़रूरत में। तो भाई ये है करंट सिचुएशन, और लगाए जा रहे हैं भाई बैरिकेड। तो कल तक तो भाई यहाँ पे मेरे ख्याल से कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाएगी। रात तक भी भाई बैरिकेडिंग पूरी नहीं लगाई है, बट हाँ आधा रोड लगभग ब्लॉक टाइप में हो गया है।